छुट्टी, दो मुसाफिर और दिल्ली से अलवर को जाती एक सड़क। अपने घर से 160 किलोमीटर और 3.5 घंटे की ड्राइव पूरी करके इस वीडियो में हम आ पहुंचे हैं बाला किला, जो कि राजस्थान में बसे अलवर शहर का बेहद ही इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है। किले को फिलहाल रीस्टोर करने का काम चल रहा है, इसलिए विजिटर्स के लिए अभी बाला किला बंद है, मगर जीप सफारी खुली है जो कि आपको कुछ ऑफ रोड डर्ट ट्रैक्स पे लेके जाती है और किले के ऐसे हिस्से दिखाती है जहां आपको अपने व्हीकल से जाने की परमिशन नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इस जगह के बारे में। गूगल मैप को फॉलो करके आप आराम से बाला किला तक पहुंच सकते हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इट्स लोकेशन। ये फोर्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सिचुएटेड है, विच मीन्स दैट नॉट ओनली यू गेट टू सी द फोर्ट बट ऑल्सो पास थ्रू अ फॉरेस्ट। बाला किला तक आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं, पर अगर आप किले के साथ साथ और दूसरे हिस्सों में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीप सफारी ही करनी होगी। जीप सफारी के चार्जेस 1300 रुपये हैं दो लोगों के लिए, जो टोटल 1.5 से 2 घंटे तक की होती है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सरिस्का टाइगर का बहुत ही सुंदर एक बफर जोन आप देख रहे हैं। इस जोन के अंदर बहुत अच्छे आपको एनिमल्स और बर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं जोन के अंदर। फर्स्ट में आपको देखने को मिल सकता है व्यू ऑफ द वैलीज का, बहुत ही नाइस व्यू, एडवेंचर व्यू आपको देखने को मिलेगा अरावली का। उसके अलावा फिर आपको लेके चलेंगे इसका ऑफरोडिंग जो रूट बने सेंचुरी के, जिसका नाम है सलीम सागर, सूरज कुंड और जयविलास पैलेस। ये 3 ऑफरोडिंग रूट है। अच्छा। और बहुत ही नाइस जोन है, बहुत ही एडवेंचर ट्रैक है इसकी सेंचुरी। अच्छा। जो कुछ डीप में कुछ हाई पे पॉइंट पे बने हैं, फ्लैट जोन में भी है। हाँ। और कुछ डीप में बने गए ऑफरोडिंग। और लेपर्ड जब सामने आता है तो क्या होता है कि लेपर्ड अपने आपको देखकर पहले कि आप खुद सेफ्टी यूज करता अपनी, बहुत ही शाही एनिमल्स होने की वजह से अपना व्यू बहुत रेयर दिखाता है। अच्छा। रेयर होने की वजह से अपना मूवमेंट बहुत कम यूज करता है अपने। हाँ। और जैसे सामने आएगा तो आपको देखकर तुरंत वो जंगल की तरफ मूव करेगा, रुकेगा नहीं समझ में। और मान लो गलती से अगर प्राचीन लेपर्ड है, पुराना लेपर्ड है और बुजुर्ग लेपर्ड है। हाँ। वो रुकेगा सर आपके सामने। अच्छा। वो हैबिटेट पूरा यूज कर चुका है सेंचुरी का, और हैबिटेट चेंज के बाद रुक सा जाता है, उसके लिए अपन को रुकना पड़ता है। जयपोल, ये इसका क्या ये आप देख रहे हैं, इस गेट का नाम रखा है जयपोल। अच्छा। इस बार रखा की बताते हैं इसके लिए कि लास्ट सम्राट हुआ करते। हाँ। तो शिकार इस गेट का नाम से जयपोल गेट, जयपोल गेट का नाम रखा है, जय निवारा जय सिंह जी द पोलिस गेट। बता दें जो किले की जो बाउंड्री वॉल जिसको बोलते हैं परकोटा, इसका परकोटा का पूरी अरावली आप देख रहे हैं दोनों साइड जो बनी है। हाँ। इन दोनों अरावली के चारों तरफ से घिरा हुआ है सर परकोटा, ये वाला बाला किला फोर्ट से स्टार्ट होता है। हाँ। इसका व्यू बना हुआ 11 किलोमीटर यानी 11 किलोमीटर चारों तरफ अरावली फैला हुआ है, और जो गेट आपने देखा इसका नाम है जयपोल, इस पे आके कम्प्लीट होता है परकोटा। ये मेल वर्जन है, बहुत ही सुंदर व्यू है। हाँ। और ये फैदर्स अभी जैसे अगला महीना जो वादों का उसमें अपने फैदर्स उस समय डाउन करेंगे। हाँ। इस समय उनके फैदर्स फुल मैच्योर है और बहुत ही नाइस व्यू फैदर का भी। हाँ। चुप रहा है, चेपरा भी ठंडा होता है। वैसे कुछ सीढ़ी बनी है आपको उतरना पड़ेगा जाना था इसका रास्ता, मतलब वापसी में भी हम यहीं से आएंगे ना। वापसी में सर आपको आने को थोड़ी ईसा आगे, पर डिटेल ऑफ द पॉइंट थोड़ा डेंजर, आप जाना चाहते हो फिलहाल अभी जा सकते हैं। जैसे आपका जंगल सफारी का एक फर्स्ट जोन स्टार्ट होता है, जिसका नाम है सलीम सागर। सलीम सागर फर्स्ट जोन सलीम सागर को थोड़ा स्मॉल ट्रैक है, बहुत अच्छा जोन है। उड़ेगा ये
जिसके लिए सम्राट हुआ करते थे अकबर सर उस समय। तो बताते कि अकबर के शासनकाल में शहजादा सलीम को अनारकली से शिफ्ट करने के लिए बालाकला फोर्ट समझ के यूज किया गया था। उनको एक पनिशमेंट दिया गया था, उसका नाम सर नज़रबंद उसको बोला जाता है। नज़रबंद करने के लिए बालाकला फोर्ट सुटेबल था उनके लिए, और बालाकला फोर्ट उसका स्टे पॉइंट था रहने करने का। और ये पॉइंट उसका बहुत ही बड़ा एक ओपन बाथिंग पॉइंट हुआ करता वाली फोर्ट, बाथिंग पॉइंट, जो इसी का इसका नाम रखा है सलीम सागर। प्राचीन हनुमान मंदिर, एंड दैट वे दैट साइड इज द व्यू ऑफ द होल अलवर टाउन, जो भी पेड़ों के पीछे छुपा है। आज तक इस किले को किसी भी एम्पायर का द्वारा आज तक युद्ध करके आज तक विजय प्राप्त नहीं किया गया, तो इसी का इस किले को बोला जाता है बालाकला फोर्ट या कुंवर किला, अभिजीत किला उसको बोला जाता है। उस समय गवर्नमेंट ने क्या करा कि गोल्ड को अंडरटेकर करने के लिए इस तरह के पैलेस के अंडरटेकर किए थे गोल्ड के लिए। तो उस समय बताते थे कि सम्राट होकर थे महाराज तेज सिंह जी। महाराज तेज सिंह सोचा क्यों नहीं अपनी खुद की प्रॉपर्टी, खुद का माल जब गवर्नमेंट अंडरटेकर कर रही है तो क्यों नहीं इसको डैमेज किया जाए। अच्छा। तो क्या कर रहा था, उसका गोल्ड निकाला और गोल्ड निकाल कर सारा प्लेस को टोटल डैमेज कर दिया। अच्छा, अपने आप ही अपने डैमेज कर दिया राजघराने ने। इसके बाद बता दीजिए पहले, उसके बाद दोबारा आज तक गवर्नमेंट अंडरटेकर हो पाया। आज भी राजघराने की प्राइवेट प्रॉपर्टी सर, आज भी उनके जो वंशज हैं अलवर सिटी में निवास करते हैं उन्हीं के अंडर में पैलेस फिलहाल आज भी स्टार्ट होता है। उसके अलावा सूरज में जो राजा थे भरतपुर के, उनको इस किले पर कुछ समय के लिए इस पॉइंट के अंदर कुछ समय के लिए रखा गया था। अच्छा, उसी का उसको नाम रहा सूरज, सूरज मेरे राजा के नाम से सूरज कुंड। अच्छा, भरतपुर के राजा जो भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी जितने भी शासकों ने जो शासन किया है ज्यादा शासन किया धोखाधड़ी से। अच्छा, तो वो भी चाहते थे कि सर इस किले पर तो नहीं शासन किया जाए, तो वो भी धोखाधड़ी से क्या एंटर तो कर गए। उनको पता नहीं था उस समय किले के सम्राट थे महाराज जयसिंह जी, बहुत माइंडेड थे वो, उन्होंने पूरे का कवर करा पूरी बाउंड्रीज को पहले। उसके बाद उनकी सूचना तो लग गई थी उनके पास, कोई संत कोई साधु संत इस पर आया है। तो वापस में खुद गए एक दिन सर, वो भी एक साधु का रेस भेज लेके गए थे महाराज जैसे। तो आपस में वार्तालाप होगी दोनों की, मैं वहाँ से आया हूँ। तो वार्तालाप होते होते लास्ट में जब लास्ट में उन्होंने बताया कि मैं वहाँ से निकला हूँ, उसको हैंड दाबा गया और दाबते ही उसको यहीं पर कैद किया गया फिर सूरज कुंड पॉइंट के अंदर ही। उसी का स्पॉट का नाम दिया सूरज कुंड रखा है महाराज जैसे जी खुद बने थे उस समय साधु उसके लिए। सबसे बड़ा डियर ऑलिफर सांबर डियर ही माना जाता है। इसके अलावा कोई भी डियर इतनी हाइट पे कवर कभी करता नहीं है, क्योंकि पता है सांबर डियर जो होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, उसकी लॉन्ग लेंथ बहुत अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है। इसी कारण वो कितने भी हाइट मान लो अगर इस सेंचुरी की जंगल की हाइट 5000 feet होती तो भी डियर आपको हाइट पे ही मिलता, क्योंकि डियर ज़्यादातर हाइट पे सर्वाइव करते हैं। अदर डियर जो होते हैं जैसे आपका ब्लैक बक हो गया, चौसिंगा हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, स्मॉल डियर ज़्यादातर यूज करते हैं फ्लैट जोन। ठीक है,
पेड़ आपको इस सेंचुरी में जाकर सामर गेट देखने के। ये पेड़ ये बरगद का पेड़ है क्या? इसमें बताते हैं ये वट वृक्ष आप देख रहे हैं, बताते हैं कि ऑल्टम चीज जितने भी जगह आप देख रहे हैं ये प्राचीन संतों की ऑल्टम्स की गद्दी स्वरूप समझ में बताते हैं। शक्तिपीठ आज भी यहाँ पे जो शक्तिपीठ आप देख रहे हैं ना संपदा का जो स्तंभ गड़ा हुआ है ये आज भी प्राचीन संतों की एक शक्ति आज भी यहाँ पे विराजमान है। इसी कारण पेड़ का व्यू आप देख रहे हैं, गेट का व्यू आप देख रहे हैं, नेचुरल टीवी बना हुआ है और हो सकता है कोई शक्ति आप इसमें एंटर करती है और निवास करती है सर आज भी। इसी कारण पूरा जंगल सेफ और जानवर आज भी सेफ है, कोई नेगेटिव ऊर्जा इसकी वजह से कभी निवास नहीं करते। डियर दीवार क्या चल रहा है? अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम इससे भी बेटर वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर। Thank you.